नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब शहर की सभी विधानसभाओं में संभावित प्रत्याशी अपने अपने मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल और उनके समर्थकों ने विधानसभा की महिलाओं के लिए खाटू श्याम की यात्रा करवाई। श्री श्याम सेवा समिति द्वारा बुधवार शाम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से खाटू श्याम यात्रा रवाना की गई। रवि चौधरी अनुराग कसेरा ने बताया कि पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के सहयोग से पहली बार 150 से अधिक महिलाएं शुक्रवार सुबह खाटू श्याम पहुंची और दर्शन किए। ये खाटू श्याम जी ने हमें सेवा का अवसर दिया है। हमारे साथ में मातृशक्ति पूरी हमारे विधानसभा 5 की जो मातृशक्ति है सभी हमारे साथ में जा रही है और एक सेवा का अवसर है। इनके लिए हमने सारे कुछ व्यवस्था रखी है, खाने की व्यवस्था रखी है, खाटू श्याम जी के अच्छे से दर्शन हो जाए और जो भी मंदिर है वहाँ पर जो भी स्थित मंदिर है सभी में दर्शन होंगे। उसी के साथ में ये 1 से 2 दिन की यात्रा आज अभी जा रहे हैं, कल शाम को दर्शन होके वहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। कितने लोग इसकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं? 150 से 200 यात्री हैं हमारे साथ में। क्या उद्देश्य रहेगा इस बार की, तो क्या मन्नतें मांगी जाएगी आपके द्वारा? देखिए, मन्नतें तो एक ही है कि खाटू श्याम जी हमारे प्रदेश पे ऐसी जो कोरोना महामारी अभी गई हमारे बीच में कभी ऐसी महामारी आए नहीं, इसी के साथ में सभी के घर परिवार में शांति रहे, सुख शांति रहे, प्रदेश में सुख शांति रहे, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब लोग कहाँ के रहवासी जिन्हें ले जाया जा रहा है? ये सभी हमारे क्षेत्र के, इसी क्षेत्र विधानसभा के रहवासी है। यात्रा आज 28 तारीख को यहाँ से प्रारंभ होने वाली है जो कि डायरेक्ट अपनी खाटू श्याम तक जाएगी। इसमें हमारी जो यात्रा है सुबह प्रातः 11 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएगी। इसमें हमारी तरफ से खाना वगैरह सारी चीज़ें रहेगी, रहना करना। एक दिन की यात्रा है ये, वहाँ से वापस रिटर्न होगी हमारी यात्रा 4 बजे। कितनी माताएं बहने हमारे साथ? कम से कम 150 से 160 माताएं बहना है। किसके माध्यम से निकली जाए? हमारे श्री सत्यनारायण पटेल जी और हमारे रवि चौधरी जी, इनके साथ की वजह से आज यात्रा प्रारंभ हो रही है। ये पहली यात्रा है इसका? हाँ, ये हमारी पहली यात्रा है, श्री श्याम समिति की पहली यात्रा है। अच्छा, आगे भी हर साल हम यात्राएं निकालते रहेंगे। उद्देश्य एक ही है कि श्याम बाबा हमारे और हमारी जो कम्युनिटी, हमारी जो टीम है, हर वक्त हर महीने श्याम बाबा के लिए ही सारी कीर्तन वगैरह सब कुछ आयोजन। कुछ भजन संध्या का भी आयोजन? खाटू श्याम की भजन संध्या 4 तारीख को किसके माध्यम? किशन भगत जी हमारे आने वाले हैं सत्यनारायण पटेल जी के माध्यम से। श्याम, हम लोग सब यात्रियों ने अनुराग कसेरा, सत्यनारायण पटेल जी, रवि चौधरी जी के माध्यम से ये यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं खाटू श्याम की। बस और किस प्रकार का दर्शन किए जाएंगे, किस प्रकार की मन्नतें मांगी जाएगी इंदौर प्रदेश की? अभी तो सब अपनी श्रद्धा के अनुसार मन्नतें मांगेंगे, इसको क्या परेशानी आए। बाबा के दर्शन, बाबा के दर्शन हो जाए, इससे बड़ी बात क्या है। आप क्या पहली बार जा रहे हैं? हाँ, पहली बार जा रहे हैं। आपका नाम? शेफाली कसेरा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके।